तो सेवक जी कहते हैं भाई धर्मियों की कृपा से वो भजन भाव में सहज स्थिति प्राप्त होती है, धर्मियों की कृपा से ही, संतों भक्तों की कृपा से ही ये जो मन है ये संसार के द्वंद से मुक्त होता है, द्वंद्वातीत होता है। फिर कहते हैं कि जैसे पहले सवैया में कहा कि नाम को पकड़े रहना, और फिर सेवक जी कहते हैं नाम की कृपा से जब धर्म का प्रकाश हो और धर्मियों की कृपा हो, तो फिर सेवक जी कहते हैं फिर अंतिम विश्राम क्या है, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। अच्छा, मछली तो तालाब में भी रहती है, मछली नदी में भी रहती है, और मछली समुद्र में भी रहती है। सेवक जी महाराज ने तालाब और नदी की मछली न कहकर श्री हरिवंश की वाणी समुद्र, समुद्र का मीन जो अगाध कलोलत, जैसे समुद्र का मीन होता है ना, वो समुद्र के जल में कलोल करता करता कभी समुद्र की था नहीं पाता, उसकी गहराई का भी कोई अंत नहीं है, उसके विस्तार का भी कोई अंत नहीं है। ऐसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि भाई ये जो वाणी है ये समुद्र है, इसकी गहराई की भी कोई था नहीं है, इसके विस्तार का भी कोई अंत नहीं है। अब मन क्या हो गया है, मीन के जैसा, बस श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। अब नाम और वाणी में, नाम की कृपा से वाणी में मन लगेगा, ध्यान रखना। सीधे सीधे वाणी उठाओगे तो कहीं और पहुंच जाओगे, जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, नाम की कृपा से ही रूप का प्रकाश होगा और उस रूप के प्रकाश में लीला का अनुभव होगा। यहां पर भी बहुत भूल होती है साधकों से, बड़ी जल्दी होती है राधा सुधा निधि पढ़ने की, पढ़ो बाजार में उपलब्ध है, जाओ पढ़ो। आज तो 42 लीला की भी टीका उपलब्ध है, महापुरुषों ने शब्द का अर्थ भी लिखकर धर दिया है, तो भी जाकर पढ़ लो। पर ध्यान रखना, कभी कभी अपनी बुद्धि से व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। मन पहुंचना कहां चाहिए और पहुंच कहां जाता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, केवल सावधान कर रहा हूं, रसिकों की बताई हुई रीति आपको पुनः स्मरण दिला रहा हूं। स्मार ये न तो शिक्षा ये, मैं शिक्षा नहीं दे रहा हूं, केवल स्मरण करा रहा हूं हमारे रसिकों ने क्या कहा। नाम की कृपा से वाणी में प्रवेश करना, कोई शीघ्रता ना हो, पूछ लेते हैं। मैं तो कई बार ऐसे प्रश्न उठाता नहीं हूं क्योंकि समय खराब करना है, पूछ लेते हैं 84 के अमुक पद का अर्थ बता दीजिए। 84 के पद चर्चा करने के लिए नहीं है, 84 के पद तो श्री हरिवंश नाम का आश्रय लेकर अनुभव और आस्वादन करने के लिए है, वो चर्चा की बात नहीं है, सिद्धांत की चर्चा होती है जो यहां से होती है। रस की चर्चा कैसे होगी, इतनी चर्चा हो सकती भाई मीठा है, अब मीठे की चर्चा क्या हो सकती है, कर सकता है कोई मीठा कैसा होता है, कोई बता सकता है, कोई नहीं बता सकता है, पूछना भी बेकार बताना भी बेकार। मीठे का अनुभव करना और मिश्री की डली रख लो जिभ्या पर, हो जाएगा। नाम जपो, नाम रटो, नाम की कृपा से रूप का प्रकाश होगा, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। आचार्य की दृष्टि से जब देखा जाएगा इस लीला को, तभी वस्तुतः इस रूप सिंधु से कोई रत्न हमारे हाथ लगेगा। इसलिए शीघ्रता नहीं कि आज ही सब कुछ पढ़ डालना है, रट डालना है। मैं देखता हूं पूरी 84 पढ़कर रट लेते हैं, हनुमान चालीसा के जैसे पूरी 84 का पाठ करने, फिर ये और कहते कि हमको 84 कंठस्थ है, पर कंठस्थ करने के लिए नहीं है, ये तो हृदयस्थ करने के लिए है, डूबने के लिए है। कोई एक पद उठाइए, कोई एक पद उठा लीजिए नित्य, धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि वो एक पद एक से दो हो गए। वो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप रसिकों की रीति से चले, नित्य एक पद उठाइए, अब आपकी भाव में उन्नति ऐसे नहीं होगी कि कल आपने एक पद उठाया तो आज दो उठाए। कहीं आप सोचो कि जब हमारी उन्नति हो जाएगी तो हम एक दिन में दो पद उठाने लगेंगे, होगा क्या, दो दिन में एक पद, फिर चार दिन में एक पद। इस प्रकार जब महाप्रभु कह रहे हैं ना, देखो माई सुंदरता की सीमा, तो गाने बजाने के लिए नहीं कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं भाव के नेत्रों से देखो, और जब वो सुंदरता की सीमा देखी जाएगी तब
कहां किसका और क्यों उस रूप सिंधु से बाहर आने का मन करेगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठिए कह रहे मीन भयो जो अगाध कलोलत। महीनों महीनों एक पद गाते थे नागरी दास जी, श्री नेही नागरी दास जी महीनों महीनों एक पद गाते थे। तो सही दिशा में आगे बढ़े तो यही होगा, एक पद उठाओ। और जब लगने लगे ना मन उस एक पद के भाव में, एक एक पद जो है रूप और लीला का अमृत पिलाने वाला है। इसीलिए महाप्रभु जी ने कहा कि निरख नयन हरिवंश, इन नेत्रों से दिखेगी ये लीला, इन नेत्रों से इसका अनुभव होगा, इस भाव से इस रस का आस्वादन होगा। चलो स्मरण हुआ है तो गाना ही चाहिए। मल्हार ब्रजनव तरुणी कदंब नागरी, ब्रजनव तरुणी कदंब नागरी, निरख करत अधग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रजनव तरुणी कदंब नागरी, ब्रजनव तरुणी कदंब नागरी, ब्रजनव तरुणी कदंब नागरी, ब्रजनव तरुणी कदंब नागरी, निरख करत अधग्रीवा, निरख करत अधग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, जो को कोटि कलग लगी जीवे, जो को सुंदरता की सीमा,
श्रीहित हरिवंश प्रताप रूप श्रीहित हरिवंश प्रताप रूप गुण वैभव श्याम पूजा जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप हित हरिवंश प्रताप रूप वैभव श्याम उजागर वैभव श्याम उजागर जाके भ्रूविलास वसु पशु जाके भ्रूविलास वसु पशु दीन मिथके तरस सागर देखो माई सुंदरता की सीमा देखो माई सुंदरता ब्रजनव तरुणी कदंबनागरी ब्रजनव तरुणी कदंबनागरी निरख करत अधिग्रीवान निरख करत अधिग्रीवान देखो माई सुंदरता देखो माई सुंदर देखो माई सुंदर देखो माई सुंदरता। तो रस में प्रवेश हो रहा है कि नहीं वो खबर ऐसी पड़े। रूप माधुरी का पान कैसे किया जाता है? निस दिन गान रूप माधुरी को पान। मैं फिर से अपनी बात दोहराकर आगे बढ़ूं ताकि समझने में भूल नहीं हो जाए। एक पद उठाना है और हमारा पद के भाव में रस में प्रवेश हो रहा है, खबर कैसे पड़े? जब रम जाए मन उसी में, उससे बाहर निकलने की इच्छा ना हो, एक ही पद, एक एक पद में रूप का प्रकाश है, रूप का विलास है। वो जो रस विलास है, रास विलास है, वो श्री महाप्रभु जी की वाणी में ही तो है। तो वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोल, ऐसा मन हो तो तब जानना चाहिए कि अब हम हितजू के शरणागत हैं, अब हम इस रस रीति के, इस प्रेम मार्ग के पथिक है। फिर इसी से संबंधित बात आगे सेवक जी कहते हैं कि व्रत संयम कर्म सुधर्म जिते सब शुद्ध विरुद्ध पछानत हैं, अपनी अपनी करतूत करें रस मादिक संक नानत हैं। पहले भी हम इसी की चर्चा करते आए कि बस श्री जी का नाम, श्री जी का दर्शन, श्री जी का प्रसाद, यही हमारे लिए सर्वस्व है, यही हमारी विधि है, यही हमारा साधन, यही हमारा योग ध्यान, यही हमारा यम नियम। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे वो हमारे रहे। पलकन के जैसे अधिक पुत्री नसो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, ऐसे राधा वल्लभ लाल के पल पल चरण संभाल। अनुपम श्यामल गौर छवि सदा बसो मम चित, जैसे घन दामिनी एक संग रहे
तो डरना नहीं, घबराना नहीं, कहने सुनने को मिल जाएगा यहाँ आसपास से, ऐसा नहीं किया तो ऐसा और ऐसा नहीं किया तो ऐसा। सेवक जी कह रहे रस मादिक संक न आनत है, ये जोरी अविचल वृंदावन, यह जोरी अविचल वृंदावन नहीं आन सो काज, नहीं आन सो काज। श्री विठल विपुल बिहारिन केवल, श्री विठल विपुल बिहार गा। श्री विठल विपुल देव जी कहते हैं यहाँ इस प्रेम के आकाश में ये जो गौर श्याम घन दामिनी की नाई सदा चमकते दमकते रहते हैं ना, हमारा बल हमारा आश्रय यही है। जाके अधीन सदाई सावरो, जाके अधीन सदाई सावरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामाजू को राज, हमारे माई श्यामाजू को राज। सकल बात घटते घटो मन की वृत्ति अनेक, वृंदा विपिन विहार रस यह बढ़ो उर एक। हरिवंश गिरा रस रीति प्रसिद्ध प्रतीति प्रगट प्रमाणत हैं, और बलि जाऊं अपने धर्मिन की जे धर्मी धर्म ही जानत है। सेवक जी महाराज कहते हैं जिन्होंने हितजू की इस रस रीति को जान लिया है पहचान लिया है उन पर मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करता हूं। हमारे लिए केवल हमारे महाप्रभु जी की वाणी ही प्रमाण है, वही हमारा वेद है, वही हमारा शास्त्र है, वही हमारा पुराण है, वही हमारे लिए प्रमाण है। हमारे आचार्य ने जो आज्ञा दी राधा वल्लभ लाल को, हृदय ध्यान मुख नाम, तनई राग सतसंग में मनई प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु सेव। ये हमारे आचार्य की आज्ञा है, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। सकई तो सब परपंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। तो श्री जी का नाम और श्री जी का दर्शन, श्री जी का प्रसाद, श्री जी का आश्रय। तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैव आश्रितः तवैव आश्रितः तवैव आश्रितः। फिर सेवक जी अंत में कहते हैं भाई इस प्रेम धर्म की बात कहते कहते जिनके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, सुनते सुनते जिनके मन प्राण शीतल हो जाते हैं, इस प्रेम धर्म की महामधुर ये वार्ता कहने वाले भी और सुनने वाले भी अपने उन धर्मियों पर मैं अपना तन मन प्राण न्यौछावर करता हूँ। और सेवक जी करिए उन्हीं की कृपा की याचना करता हूँ, तिनकी दई जो जूठन खात, उनका ही प्रसाद, उनका ही उच्छिष्ट, उनका ही आशीर्वाद, उनका ही आश्रय, उनका ही आधार हमें सदा मिलता रहे। अंत में सेवक जी कह रहे चाहूं कृपा सुधर्म मिन की। सेवक जी यहां पर प्रियालाल से कृपा की याचना नहीं कर रहे, कह रहे चाहूं कृपा सुधर्म मिन की, रसिक जन मुझ पर कृपा करें, ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें। यहां किसी ने आज एक प्रश्न पूछा कह रहे हैं कि हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं कि राधा वल्लभ के जो साधक एवं रसिक हैं उनकी सेवा एवं भक्ति से इस रस की प्राप्ति होती है, तो आप साधक भी हैं भक्त भी हैं प्रेमी रसिक गुरु तत्व में तब भी अपना चरण क्यों नहीं छूने देते, हमको आत्म कल्याण क्यों नहीं करने देते।
देखो ये तो आपकी भावना है, उसका मैं आदर करता हूँ। मैं तो पहले भी शायद आपसे कभी कहा था, मुझे जिस दिन ये लगा कि मेरी चरण रज से आपका कल्याण हो सकता है, उस दिन आप मांगो नहीं मांगो मैं खुद ही भंडारा लगा दूंगा। हो तो जाने दो ऐसा। अरे एक बात और भी मैं आपसे कहूँ भाई, कि कल्याण केवल एक ही विधि से नहीं होता। रसिकों की जूठन क्या है, रसिकों ने जो अपने मुख से कहा है ना वही रसिकों का उच्छिष्ट है। गुरुजनों के मुख से जो वचन मिलते हैं वही उनका प्रसाद है। उसी को जीवन में ग्रहण भी करना चाहिए, धारण भी करना चाहिए। किसी और विधि से कल्याण होता हो कि ना होता हो मुझे खबर नहीं, पर मेरे गोस्वामी जी कहते हैं महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। संतों के गुरुजनों के जो शब्द हैं, जो विचार हैं, जो भाव हैं, व्यासपीठ की सन्निधि में जो आपको और मुझे प्राप्त होता है, कल्याण कराने वाला तो वस्तुतः वही है भाई। उसी को जीवन में धारण करना चाहिए। और मैं आपको वचन देता हूँ, जिस दिन मुझे लगा ना कि मेरे चरणों की रज से कोई चमत्कार हो सकता है, मैं पंगत करा दूंगा सबकी। अरे आप कृपा करो, हो तो जाए ऐसा। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं भाई मेरे पास, अभी तो संतों का दिया ये प्रसाद है आपके बीच में आकर बांट देता हूं। डॉक्टर हुए बिना इलाज करना अपराध होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो सदा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि संतों की इतनी कृपा अवश्य है कि अब समझ में आने लगा है कि साधक जीवन क्या होता है और कैसे उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। आप सब कृपा करना, आशीर्वाद देना, देते रहना। आज नहीं, आप सदा आशीर्वाद देते ही रहना कि ये भाव भावना जीवन में बनी रहे और इस मार्ग पर आपके साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। देखो बत्ती भी आ गई। तो सेवक जी कह रहे चाहूं कृपा सुधर्मिन की। फिर अंत में विश्राम देते हुए सेवक जी महाराज कहते हैं श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा धर्मिन सेवौ जप। आहा, देवक जी कह रहे प्रेम का धर्म है और प्रसिद्ध धर्म है, प्रकट धर्म है। पर सेवक जी कह रहे समझे ना अलप तप, जिसके सब पुण्य पूर्ण हो जाएंगे वो इस गली में आएगा, वो इस गली में आएगा, वो समझेगा। कल मैं आपसे कह रहा था, अभी अभी आप और मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि हमको हमारे आचार्य ने क्या दे दिया है। हमको ध्याने के लिए, हमको अपने हृदय कमल पर प्रतिष्ठित करने के लिए हमारे महाप्रभु जी ने क्या दे दिया है। प्रिया जू के चरण कमल दे दिए हैं, वो चरण कमल जिनकी कृपा की याचना स्वयं ईश्वर करते हैं। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, श्री राधा के चरण पलोटत कुंवर कन्हाई है। ऐसा ब्रज के संतों ने दर्शन किया है, जिनके चरण कमलों के रस वैभव की इच्छा, कोटि मन्मथ मन्मथ रसघन मोहन मूर्ति रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर को है। उन चरण कमलों की आराधना, उन चरण कमलों की भजन भावना हमको हमारे आचार्य ने दे दी है, वस्तु प्रकट है। पर सेवक जी कह रहे समझे ना अलप तप, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, मन भी नहीं आता इस ओर। उसी संसार की चाह में वासना में जीव उलझा है, कोई आश्चर्य थोड़ी है। अनेक जन्म खो दिए एक और भी चला जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य थोड़ी है। ये जन्म व्यर्थ चला जाए ये आश्चर्य की बात नहीं है, इस जन्म और जीवन में सत्संग की कृपा से चेत हो जाए ये आश्चर्य की बात है, भजन होने लगे ये आश्चर्य है, सत्संग में मन रमने लगे ये आश्चर्य है। जीवन व्यर्थ चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, तो बहुत चले गए, बहुत बिगड़ गए, ये भी बिगड़ेगा। और अगर नहीं चेते तो जाने आने वाले और कितने बिगड़ेंगे, तो बिगड़ना आश्चर्य नहीं है, बन जाए ये आश्चर्य है। पर व्यवस्था ऐसी कर दी है ठाकुर जी ने, अगर थोड़े से हम सावधान हो जाए ना थोड़े से, तो फिर संत कहते हो बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी, बोले आज बन जाए अभी बन जाए। और सेवक जी महाराज कह रहे कोई समझना चाहे तो समझो श्री हरिवंश कृपा धर्मिन सेवौ जप। अगली पंक्ति पढ़कर तो ऐसा लगता है सेवक जी महाराज कह रहे पूर्व के पुण्य से ही समझा ही नहीं जाता,
इस धर्म को समझने के लिए कितना भी पुण्य हो थोड़ा ही है। अर्थात पुण्य आदि प्रकल्पों से ये प्रेम का मार्ग नहीं मिलता। सेवक जी कहने समझो श्री हरिवंश कृपा धर्मिन सेवहु जप। ऐसे रसिक कृपा जो करें तो हमसे सेवक निस्तरें। जहां से हमने प्रवेश किया था इस चर्चा में पहले दिन श्री जी की कृपा की बयार में बहते बहते यहां तक आ गए। अब रसिक जन कृपा करें और श्री जी के चरणों का परम विश्राम हमें प्रदान करते। धर्मिन सेवहु जप, धर्मियों की सेवा। और सेवक जी महाराज 10 बार कहते हैं पुनरुक्ति करते हुए राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होई, भली भली सब। और जिस किसी साधक ने भी ये प्रश्न किया, संबंधित प्रश्न था इसीलिए मैंने उत्तर दिया, फिर मैं कहूं भाई रसिकों की कृपा क्या है, रसिकों का प्रसाद कैसे पाया जाए, वो जो उनके वचन हैं, उनके भाव हैं, उन्हीं का ही चिंतन मनन निधिध्यासन जीवन में धारण करने का प्रयास ही वस्तुत है उनकी सेवा है, उनका अनुगमन है, उनका अनुसरण है। और फिर अंत में सेवक जी कहते हैं धर्मी बिना नहीं धर्म, ना ही बिन धर्म जो धर्मी, श्री हरिवंश प्रताप मर्म जाने जे मर्मी, श्री हरिवंश नाम धर्मी जो रत, तिन शरण्य संतत रहो, सेवक निस दिन धर्मिन मिले, श्री हरिवंश सुजस कहो। सेवक जी महाराज कहते हैं भाई इस प्रेम के, इस प्रेम धर्म के अगर सच्चे मंदिर कोई हैं तो वो प्रेमी जन ही हैं, साचा मंदिर हरि के संत। वो जो निकुंज की भाव भावना जिनके जिनके हृदय में सदा प्रकट है, उजागर है, जिनके हिये बसत हैं राधा वल्लभ लाल, तिनकी पदरज धोए ध्रुव, पीवत रहो सब काल। और सेवक जी महाराज मांगते क्या हैं कि इस नाम में, इस रस में जिनका मन रम गया है, श्री हरिवंश नाम धर्मी जो रत, जो भजन भाव परायण है, सेवक जी कह रहे उन्हीं की शरण में मैं रहता हूं, तीन शरण्य, और कह रहे संतत रहो सतत, उसके अतिरिक्त हमें कहीं नहीं जाना है, हम वहीं पर सुरक्षित हैं, अपने रसिक जनों की चरण शरण में पड़े रहेंगे, तिनकी दही जो जूठन खात, उनकी कृपा से जो मिलेगा वो पाएंगे। और सेवक निस्दिन धर्मिन मिले, हितजू के चरणों में, श्री प्रियालाल के चरणों में सेवक जी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे धर्मियों का संग हमें सतत मिलता रहे, जिनके साथ बैठकर हम हितजू का ये सुयश कहते रहें, सुनते रहें, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, हम इन्हीं के रहें ये हमारे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। तो यहाँ पर ये 13वां प्रकरण विराम लेता है। ये वार्ता श्री लाडली लाल जी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा।